सामान्य ज्ञान हिस्ट्री का पार्ट टू, 60वां क्वेश्चन, अजंता गुफाएं, जो करीब 30 रॉकआउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? बी पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र पर। 61वां क्वेश्चन, भीम बेटिका गुफाएं कहाँ स्थित हैं, कहाँ पर? बी नंबर, मध्य प्रदेश पर। 62वां क्वेश्चन, हनम कोडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर थाउजेंड पिल्लर टेंपल का निर्माण कहाँ, मतलब खालिस्तान द्वारा कराया गया, मतलब किसके द्वारा कराया गया? ए नंबर, रुद्रदेव के द्वारा। 63वां क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए तमिलनाडु पर। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और ना ही तो इस पर जंगल लगती है ना ही यह संचरित होता है, तो वह धातु से बनाया हुआ है, किससे? ए मतलब लोहा से। 65वां क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो खालिस्तान में स्थित कहाँ पर? बी बिहार पर। 66वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन है? 2वीं सदी ईस्वी पूर्व। बी नंबर का सही है। 67वां क्वेश्चन, उस स्मारक का नाम बताएं जिसमें 9 हिंदू मंदिर की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है, कौन सा है? सी पट्टडकल में स्मारकों का समूह। 68वां क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है, यह खालिस्तान के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था, किसकी शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? ए नंबर, चोल साम्राज्य। 69वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राजा ने गंगुकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? ए नंबर, राजेंद्र चोल प्रथम, चोला प्रथम। 70वां क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संचरित गुफा कर्ली है जो निम्न में से कौन से राज्य में है, कौन से राज्य में? सी महाराष्ट्र। 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना के सभा मंदिर का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा दौरान किया गया था? ए होयसल। 72वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खरवेल द्वारा की गई थी, किसके द्वारा? डी खंडगिरी गुफाएं। 73वां क्वेश्चन, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया, डी नंबर, पल्लवों द्वारा। 74वां क्वेश्चन, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? बी नंबर, अशोक ने। 75वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर खालिस्तान में स्थित है, कहां पर स्थित है? बी तमिलनाडु। 76वां क्वेश्चन, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सी पल्लव। 77वां क्वेश्चन, भीम बेटिका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। 78वां क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ये हैं महाराष्ट्र राज्य, मतलब बी महाराष्ट्र। 79वां क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है, किस प्रकार की? बी नंबर, ग्रेनाइट। 80वां क्वेश्चन, तंत्रिक
तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान खालिस्तान माना जाता है। सी उड़ीसा। 81 क्वेश्चन, सूर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? ए महाबलीपुरम। 82 क्वेश्चन, केरला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ए महाराष्ट्र पर। 83 क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित चार पवित्र स्थलों में से एक स्थित है, कहाँ पर? ए नंबर बिहार। 84 क्वेश्चन, गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में व्यापक तौर पर खालिस्तान के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। ए नंबर कुषाण। 85 क्वेश्चन क्रमांक, स्वर्ण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है डी नंबर कर्नाटक। 86 क्वेश्चन नंबर, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में खालिस्तान के स्वर्ण युग का प्रमाण है? ए नंबर बौद्ध धर्म। 87 क्वेश्चन, महाभारत युद्ध खालिस्तान दिनों तक चला था, कितने दिनों तक? बी नंबर 18। 88 क्वेश्चन, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदरा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? किसने? सी नंबर भीमदेव सोलंकी द्वितीय। 89 क्वेश्चन, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सी नंबर लकड़ी से। 90 क्वेश्चन नंबर, खालिस्तान की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? डी नंबर सांप और सीढ़ी। 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? क्या है? बी नंबर गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी। 92 क्वेश्चन, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? किस राज्य में मौजूद था? सी नंबर असम। 93 क्वेश्चन, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। 94 क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? किस वंश को नहीं कहा जाता था? सी वंश, मुगल वंश को। 95 क्वेश्चन, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? किसने? बी नंबर लक्ष्मण सेन। 96 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? सी रजिया सुल्तान थी। 97 क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बी नंबर अजमेर पर। 98 क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? ए नंबर दौलताबाद पर। 99 क्वेश्चन, भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों के दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? किस युग से संबंधित है? बी नंबर दिल्ली सल्तनत। 100 क्वेश्चन, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? किसके द्वारा? कुतुब उद्दीन ऐबक